स्वागत है आपका महर्षि दयानंद कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द नॉलेज अप चैनल में। आज की इस वीडियो में हम हाइपरलिंक के बारे में जानेंगे। हाइपरलिंक क्या होता है? जैसे एक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने से दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है, इसका मतलब दो डॉक्यूमेंट को या दो से अधिक डॉक्यूमेंट को आपस में जोड़ देना ही हाइपरलिंक कहलाता है। वेब पेज में ही इसे लिंकिंग कहा जाता है। जब आप किसी भी वेबसाइट पर पहुंचते हैं और वहां पर किसी भी टेक्स्ट को या इमेज को आप क्लिक करते हैं, तो आप देखते क्या है कि आप तुरंत रीडायरेक्ट हो जाते हैं किसी दूसरे पेज पर। तो सेम ऐसे ही अगर आप अपने वेब पेज में भी चाहते हैं, तो इसके लिए आप कैसे करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट में, अपने वेब पेज में आप हाइपरलिंक को कैसे सेट करेंगे, आइए देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में मैंने आपको इमेज इंसर्ट करना बताया था कि आप अपने वेबसाइट में इमेज कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, तो हाइपरलिंक में भी यही बताने वाला हूं कि इमेज को इंसर्ट करके जब आप इमेज पर क्लिक करते हैं या फिर किसी टेक्स्ट पर जब आप क्लिक करते हैं तो दूसरे किसी पेज पर कैसे पहुंच जाएंगे। या आप कोई एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे गूगल में क्या होता है कि जब भी आप कोई टेक्स्ट लिखते हो, जैसे आप कोई सर्च करते हो, जैसे कंप्यूटर पे आपने सर्च किया और कंप्यूटर पे सर्च करने के बाद इमेज नाम का एक बटन होता है, उस बटन पे जैसे ही वो टेक्स्ट फॉर्म में होता है, जैसे ही उस पर आप लिखते हो, क्लिक करते हो, तो इमेज की पूरी लिस्ट खुल जाती है। या फिर ऐसा होता है कि गूगल ड्राइव का आपका लोकेशन है और उस लोकेशन पे जब भी आप किसी टेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो आपके सामने एक पूरी इमेज होती है। तो वो कैसे होता है आज मैं वही बताने वाला हूँ। इसके लिए एंकर टैग होता है। एंकर के लिए आप एंकर टैग लिख दीजिए और इक्वल टू लगाकर डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसके बाद यहाँ पर आप वो लिंक लिख दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर MDVTI इंडिया अपनी संस्था का नाम लिख देता हूँ और इसे एंकर टैग को मैं क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद क्या होगा कि ये उस पर्टिकुलर हाइपरलिंक का नाम होगा। ये जो MDVTI इंडिया दिख रहा है आपको, ये पर्टिकुलर उस इमेज का अथवा टेक्स्ट का नाम होगा जिसपे वो लिंक जनरेट रहेगा। अब यहाँ पे आपको लोकेशन देना है, जो एंकर टैग है एंकर टैग में आपका जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है, इसके बीच में जो आर्गुमेंट होगा वो लोकेशन का आर्गुमेंट होता है। इसमें आपको लोकेशन लिखना पड़ता है, तो मैं उस लोगो का या फिर मैं उस सेकंड पेज, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अगर फर्स्ट पेज पे हैं हम, एक फर्स्ट पेज के वेब पेज से अगर हमें दूसरे वेब पेज पे जाना हो तो कैसे होगा, तो उस दूसरे वेब पेज का आप यहाँ पे लोकेशन लिख दीजिए। मैं लोकेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, लोकेशन लिखने के बाद उस वेब पेज का नाम है सेकंड पेज, और ये सेकंड पेज जो है HTML टाइप का है और इसे मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ। जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि जैसे मैंने रिफ्रेश किया MDVTI इंडिया नाम का यहाँ पे आ गया। इसे फर्स्ट पेज पे क्लिक करने पे कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप MDVTI इंडिया पे क्लिक करेंगे आप पहुंच जा रहे हैं दूसरे पेज पर। सॉरी, यहाँ पे कुछ फॉल्ट दिख रहा है मुझे, क्यों नहीं जा रहा। सी यूजर्स, ये भी ठीक है। डेस्कटॉप सेकेंड पेज डॉट HTML, सारी चीजें तो सही दिख रही हैं, फिर क्यों ऐसा हो रहा है। ओके, डेस्कटॉप पर सेकेंड पेज मैंने फाइल का नाम डायरेक्टली दे दिया है, तो यहां पर आपको, चूंकि ये जो फाइल है सेकेंड पेज वो एक फोल्डर के अंदर है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि HTML एंड CSS फोल्डर के अंदर है, तो यहाँ पे मैं HTML एंड CSS इस फोल्डर का नाम डालना भूल गया था मैं, और इसे आप सेव करके अब आप यहाँ पे जाइए और इसको रिफ्रेश करिए। जैसे ये रिफ्रेश होता है तो MDVTI इंडिया पे जब आप क्लिक करते हैं तो देखिए मैं रिडायरेक्ट हो गया तुरंत सेकंड पेज पे। तो ऐसे ही अगर आप किसी इमेज पर क्लिक करके आप कहीं दूसरे वेब ब्राउजर पे जा सकते हैं, जैसे किसी टेक्स्ट पे अगर आपको कोई इमेज लगाना हो तो वो कैसे हो सकता है। उसके लिए सिंपली आपको करना क्या है कि यहाँ पर जो आप सेकंड पेज जो HTML का पेज है इसकी जगह पे कोई इमेज रख दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर एक इमेज ले रखा हूँ, उसी फोल्डर में लोगो नाम का एक इमेज है। अब इस इमेज पे आपको यही इमेज खोलना है। MDVTI इंडिया पे जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो ये इमेज ओपन हो जाएगा, जैसे कि वो वेब पेज ओपन हो रहा था। तो मैं यहाँ पे लोगो उस इमेज का नाम डाल देता हूँ और इसका एक्सटेंशन नेम है JPG और इसे सेव कर देता हूँ। और सेव करने के बाद फिर से मैं आ जाता हूँ अपने वेब ब्राउजर पर और इसको रिफ्रेश करता हूँ। एक बार बैक जाके रिफ्रेश करता हूँ मैं। जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि MDVTI इंडिया है। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो क्लिक करने के बाद एक जो मैंने इमेज सेट किया हुआ था वो इमेज यहाँ पे शो हो गया, यानी कि इस इमेज की फाइल को उस टेक्स्ट के जोड़ दिया गया है। इसी को बोला जाता है बेसिकली हाइपरलिंक। अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे किसी भी इमेज पर क्लिक करके आप किसी वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। जैसे कि हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है महर्षि दयानंद वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का, आप इस लोगो पर क्लिक करके कैसे उस वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं।
इसके लिए आपको अपना नोटपैड ओपन कर लेना होगा और ये जो लोकेशन है आपका, इसकी जगह पर आपको वेबसाइट ओपन करनी है। तो सबसे पहले आप जो वेबसाइट का यूआरएल होता है, जो एड्रेस होता है, उसे आप यहाँ से, मैं यही वेबसाइट ओपन करने वाला हूँ जो हमारा ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अब इसके लिंक पे एक बार क्लिक करके और कॉपी कर लेता हूँ मैं। कॉपी करने के बाद इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। मैंने इसे यूआरएल से कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया। अब आपने करना क्या है, सिंपली आपको बस सेव करके आपको फिर चले जाना है अपने ब्राउजर में और यहाँ पे रिफ्रेश करना है। जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे, अब आप देख पा रहे होंगे कि MDPTI इंडिया पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो तुरंत रीडायरेक्ट हो जाएगा जो मैंने लिंक किया हुआ था। देखिए, ये हमारा ऑफिशियल जो वेबसाइट होगा वो ओपन हो जाएगा। तो आप किसी भी टेक्स्ट को क्लिक करके कैसे आप उसमें दूसरी किसी वेबसाइट को ऐड कर सकते हैं, दूसरे वेब पेज को कैसे ऐड कर सकते हैं, आपने देखा। अब हम देखेंगे कि एक इमेज पर कैसे क्लिक करके हम यहाँ पे एक इमेज रखेंगे और उस इमेज पर क्लिक करके कैसे हम गूगल पे पहुँच सकते हैं। तो सिंपली इसके लिए कुछ करना नहीं है, जैसे कि आपको इतना बताया मैंने, आपको ये एड्रेस की जगह पे गूगल का एड्रेस डाल देना है। इस एड्रेस की जगह पे यहाँ पे आपको www.google.co.in इतना लिखने के बाद, अब इस MDPTI इंडिया की जगह पे इमेज आपको रखना है। तो इमेज के लिए मैंने आपको एक टैग का नाम बताया था, इमेज SRC, वही टैग आपको यहाँ पे लगा देना है, IMG इक्वल टू करके आप इसको डबल इन्वर्टेड कामा में सी यूजर्स डेस्कटॉप HTML CSS। अब इस फोल्डर के अंदर था हमारा लोगो, लोगो डॉट JPG फॉर्मेट में था वो। और चूंकि अगर आपका ये टैग बड़ा हो जा रहा है, तो आप यहाँ से इसको एंटर करके नीचे भी ला सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको एंटर किया और एंटर करने के बाद इसे क्लोज करने के लिए इसे भी नीचे कर दिया और इमेज में आ गया ये। और इसकी हम लोकेशन सेट कर देते हैं, क्योंकि जो चौड़ाई है, जो हाइट है, विड्थ है, उसको भी बहुत बड़ा दिख रहा था, इसलिए उसको भी छोटा कर देते हैं। तो यहाँ से ये हाइट इसका कर देते हैं 140 और इसका विड्थ कर देते हैं 100, इसका विड्थ कर देते हैं 100 और ऑल्ट के साथ इसको दे देते हैं लोगो। ये मैंने आपको बताया था कि ऑल्ट का यूज हम टेक्स्ट देने के लिए करते हैं, जब भी कोई एरर आता है इमेज में तो उसके स्थान पे हम ये टेक्स्ट दे सकते हैं। अब इसे आपने बंद कर दिया। बंद करने के बाद सिंपली अब आपको क्या करना है, इसे सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप अपने ब्राउजर में आ जाइए और यहाँ से F5 से आप रिफ्रेश करिए। जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे तो हमारा ये लोगो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इस लोगो में हाइपरलिंक किया हुआ है इसका, जो कि जो विड्थ है वो थोड़ा छोटा दिख रहा है। चलिए इसे भी थोड़ा सा 140 है अगर ये, तो इसे भी 140 कर देते हैं ताकि स्क्वायर फॉर्मेट में हो जाए। और इसे सेव करके हम फिर से इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, ये स्क्वायर फॉर्मेट में आ गया। अब इसे करना क्या है, इस पर क्लिक करना है हमें। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, देखते हैं क्या जो भी हमारा लिंक है वो एक्टिव है। बिल्कुल, देखिए जैसे ही हमने गूगल का, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि नोटपैड में हमने क्या किया हुआ है, उस हाइपरलिंक की जगह पे गूगल का यहाँ पे लिंक रख रखा है। यानी कि एंकर टैग के बाद आपको यहाँ पे वो लिंक रखना है जहाँ पे आपको उस पेज को रीडायरेक्ट करना है। और उसके बाद अगर इमेज लगानी है तो इमेज का टैग लगाइए। टैग लगाने के बाद इमेज की पूरी आपको सेटिंग कर देना है कि कितना हाइट होगा, कितना विड्थ होगा। उसके बाद आपका लास्ट में यहाँ पे शो हो रहा होगा कि आपने एंकर टैग बंद कर दिया, यहाँ पे ये एंकर टैग क्लोज हो गया। ठीक, यानी कि एंकर टैग आपने यहाँ पे स्टार्ट किया और यहाँ पे ले आके बंद कर दिया और इसे आपने सेव कर दिया। सेव करने के बाद जैसा कि आपको दिख पा रहा है कि आप अगर बैक जाएंगे तो आप सेम उसी पेज पे पहुंच जाएंगे, उसी लिंक पे पहुंच जाएंगे और यहाँ पे जैसे ही आपने क्लिक किया तुरंत पहुंच गया आप गूगल के वेब पेज पे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।